Yes, भाई। तो सो डियर स्टूडेंट्स, सफिशियंट टाइम हैज बीन गिवन टू यू। नाउ वी हैव टू डिस्कस। शाबाश, राइट डाउन ऑन द बोर्ड, सी एट द बोर्ड। वी आर गोइंग टू डिस्कस द M2 असाइनमेंट ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। गेट रेडी, शाबाश एवरीबॉडी। और आपको कुछ टाइम दिया गया था इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट। देखते हैं कितने बच्चे इसको अटेम्प्ट कर पाए हैं और मेरे को सही जवाब देते हैं। लेट मी रीड द 10th क्वेश्चन फॉर माई स्वीट स्टूडेंट्स। बेटे, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइट, विच इज द ऑप्शन? शाबाश, विच इज बी सो लुक एट इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटे? इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा कंडक्टर होता है जो करंट पास करने पर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, राइट? लेकिन कब? जब उस इलेक्ट्रोलाइट के पाउडर को, जिसको के हमें साल्ट बोलना चाहिए, उसको पानी के अंदर डाल के उसका घोल बनाया जाता है, ठीक है? और ऐसा वो इसलिए कर पाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट का जो सोल्यूशन होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स में ब्रेकअप हो जाता है, जो कि कंडक्टिविटी में मदद करते हैं। सभी बच्चों ने बिल्कुल सही बताया, 10th का बी ऑप्शन। शाबाश। तो व्हाट, ये इसको अगर जोड़ के बोलेंगे तो ये इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन बनेगा। इलेक्ट्रोलाइट इज ए सबस्टांस दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्वड इन वाटर। और उसी में एक छोटी सी लाइन और ऐड कर दो बेटे, शाबाश, तो अच्छी डेफिनेशन बन जाएगी। शाबाश, बी ऑप्शन की जो वर्डिंग है ना, उसी में एक और ऐड कर दो, बिकॉज बिकॉज शाबाश, इट गेट्स डिसोसिएटेड इनटू केटायन एंड एनायन। बिकॉज इट गेट्स डिसोसिएटेड इनटू केटायन एंड एनायन ऑन सोल्यूशन फॉर्मेशन। इट गेट्स डिसोसिएटेड इंटू केटायन और एनायन इन सोल्यूशन फॉर्मेशन। अच्छा, जिस जिस आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, केटायन या एनायन? केटायन। बेटा आपको टीचर का बताया हुआ मेमोरी टूल याद है बेटे? क्या बताया था बोलो? यहां पर मैं क्या करूं कि इसका मेमोरी टूल बन जाए? शाबाश, शाबाश। देखा, अगर हम मेथड से पढ़ते हैं तो एक दो दो तीन तीन दिन तक ऐसे बिना रिवीजन ही याद हो जाता। शाबाश, बिल्कुल सही। केटायन का टीचर ने पॉजिटिव बना दिया था टी लिखने की बजाय, तो उसको यहां से बच्चों को समझ आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिसिटी एक्टिविटी। सो बच्चे, इसमें हमने बताना है इन सारी चीजों में से कौन कौन सी चीज कंडक्टर होती है, कौन कौन सी नहीं होती, किसमें बल्ब ग्लो करेगा, किसमें नहीं करेगा, किसमें ज्यादा ग्लो करेगा। ओके, तो अब मेरे को बताओ, जो टैप वाटर होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है या नहीं हो सकती? हो वाटर में इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है बेटे, राइट? इलेक्ट्रिसिटी इज ए कंडक्टर साइंस की लैंग्वेज में। बल्ब इसमें ग्लो करेगा ब्राइटली और फीबली? फीबली मैंने डिम सा ग्लो करेगा या ब्राइट ग्लो करेगा? ब्राइटली तो इसमें ब्राइटली ग्लो करेगा, ठीक है। और ये गुड कंडक्टर हुआ या पुअर कंडक्टर हुआ? कंडक्टर ये गुड कंडक्टर हुआ। ओके, दूसरी बात है बच्चे, डिस्टिल्ड वाटर, 100% प्योर वाटर, डिस्टिल्ड। ना इसमें कोई साल्ट होता है, ना इसमें आयन होते हैं,
ये बताओ ये बल्ब बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा? ओ नो शाबाश। और बल्ब बाकी तो छोड़ ही दो, फिर पुअर कंडक्टर हो गया। अच्छा मिल्क क्या होता है बेटे? मिल्क दूध में से बिजली गुजर पाती है? दूध में तो बहुत अच्छी गुजर पाती है बेटे, इट इज ए गुड कंडक्टर। जानते हो क्यों? क्योंकि दूध के अंदर पानी की कंटेंट है। तो हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि एक ऐसा पानी जो प्योर नहीं है, तो जो पानी प्योर नहीं होता तो उसमें से बिजली गुजरती है। ओके तो आप कहोगे यस ब्राइटली ग्लो करेगा, गुड कंडक्टर। रेन वाटर, रेन वाटर, रेन वाटर में ऊपर से जब गिरता है तो उसमें काफी सारे साल्ट मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि धुआं उठता है, वो भी पानी की ड्रॉप्स में आ जाता है, कुछ एसिडिक कंटेंट होती है। तो ऐसा जो पानी होता है, शुरू शुरू वाला पानी, वो प्योर नहीं होता, तो उसमें से बिजली गुजर पाती है, बल्ब ग्लो करेगा। ओके लेकिन एक बात याद रखना है, अगर कोई बारिश मान लो 3 दिन लगातार हो रही है और आपने आखिरी दिन बारिश का पानी इकट्ठा किया, तो वो बिल्कुल प्योर हो जाता है। फिर वो डिस्टिल्ड वाटर होता है, तब हम उसमें नो आंसर करेंगे। पर जनरल में हम जब रेन वाटर बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंटिन्यूड बारिश की बात कर रहे हैं। ठीक है आगे बताओ, डिस्टिल्ड वाटर विद लेमन जूस। डिस्टिल्ड वाटर विद लेमन जूस लेंगे तो उसमें लेमन जो होता है ना भाई, अपने बेटे ये इसकी कंटेंट में एसिड होता है, तो वो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में डिसोसिएट हो जाता है, तो उसमें कैटायन और इनायन बनने से ये ग्लो करेगा, गुड ब्राइटली ग्लो करेगा। ठीक है तो मेरे बच्चों को क्या 11th क्वेश्चन अंडरस्टूड है? शाबाश, लेट्स मूव टू द 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन, और इसके कंक्लूजन तो आप लिख ही लोगे फिर, है ना? क्या अगर वो बोलेगा क्या सारे सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, 11th के नीचे कुछ क्वेश्चंस है, आप कहोगे नहीं कुछ कंडक्ट करते हैं कुछ नहीं करते। द सॉल्यूशन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स, लिख दो इलेक्ट्रोलाइट्स लिख दो। द सॉल्यूशंस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर इंसुलेटर्स, लिख दो, या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स लिख दो। बल्ब इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ लाइट ड्यू टू लाइट इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है शाबाश, लेट्स मूव टू द 12th क्वेश्चन। देखो बेटे 12th क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 12th क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जो ए साइड पर बल्ब लगा हुआ है ना, लेफ्ट साइड पर, ए साइड पर, बीजो का, दो बच्चे हैं ना, बीजो और पहेली, बीजो वाला बल्ब ज्यादा ग्लो करता है और पहेली वाला बल्ब कम ग्लो करता है। ठीक है तो वो कहते हैं इसका क्या कारण हो सकता है, राइट? ऐसा क्यों होता है, आप इससे क्या कंक्लूजन निकालते हो, बताओ। शाबाश, सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो बाकी का सर्किट सारा सेम है, यस या नो? बाकी का सर्किट सारा सेम है ना, लेकिन नीचे देखो इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग है, इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग है, यस और नो? एक में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ए है, एक में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बी है, एग्रीड? तो जिस जिस जो इलेक्ट्रोलाइट बेटर कंडक्टर होएगा उसमें करंट ज्यादा जाएगा, जो करंट ज्यादा जाएगा तो बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। बताओ मेरे को फिर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट बेटर है, बेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है, ए या बी? ए ए वाला इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ए वाला इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो है वो बेटर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, किसके मुकाबले? बी के मुकाबले, क्योंकि जब ए का कंडक्टिविटी ज्यादा है तो इस वाली तारों में करंट ज्यादा निकलेगा, और बी वाले सर्किट में जो करंट निकलेगा वो कम निकलेगा। जितना किसी बल्ब में करंट ज्यादा जाता है उतना वो ब्राइटर ग्लो करता है। ओके तो क्या आप इसकी लैंग्वेज लिख सकोगे पेपर में?
क्या कोई ऐसा बच्चा है जो मेरे को बोले कि सर मैंने इसको अंडरस्टूड कर लिया, मैं इसको इंग्लिश में पेपर में लिख सकता हूँ और अभी भी क्लास में बोल सकता हूँ? इज देयर एनी डेयरिंग स्टूडेंट इन एनी ऑफ दी सेक्शन? शाबाश, एक बार मन में लैंग्वेज बना लो, मन में लैंग्वेज बना लो कि मैं हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश में आपने बताना है कि ए सॉल्यूशन जो है वो बेटर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, जिसकी वजह से इसमें से ज्यादा करंट निकल पाएगा और वही करंट फिर आगे बल्ब में से गुजरेगा। बल्ब में जब ज्यादा करंट गुजरता है तो वो ब्राइटली ग्लो करता है। इससे हमें ये पता लगता है कि जो ए है वो बेटर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर था, दैट इज वाई बल्ब वाज ग्लोइंग बेटर एज गिवन इन द क्वेश्चन। शाबाश, कौन इसका आंसर बताएगा? कम ऑन द माइक। शाबाश 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 बेटे, ये अपॉर्चुनिटी होती है। वेरी गुड वेरी गुड। इफ ओनली वन गर्ल इन ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आ जा बेटे, इन सभी को बता दे कि तुम चीज हो। शाबाश, टेक द माइक। माई क्वेश्चन इज, बल्ब ए ग्लोज बेटर देन बल्ब बी, व्हाट कैन बी द रीजन एज द सर्किट्स आर सेम? सर द रीजन इज दैट इफ द इलेक्ट्रोलाइट इज बेटर कंडक्टर देन द बल्ब विल ग्लो वेरी ब्राइटली एंड इट विल शो दैट ए सोल्यूशन इज कंडक्टर इज वेरी गुड एंड इफ द बी सोल्यूशन इज नॉट ग्लोइंग द बल्ब देन इट विल शो दैट द इलेक्ट्रोलाइट हैज नॉट द हैव एनी आयंस एंड इट इज नॉट अ बेटर इलेक्ट्रोलाइट एंड इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर। हाँ बेटे शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल सही, नहीं बोलूंगा 99% सही है। तो जो आपने बी बी सॉल्यूशन में बोल दिया ना, नो आयंस, नो आयंस नहीं बोलना, लेस आयंस बोलना। यस लेस आयंस। अब इस गुड़िया से भी बोलते हैं, बेटे आप भी बोलो, आप भी बोलो, आपके कहना आपका ठीक है, 99% सही आंसर। शाबाश, सोल्यूशन ए हैज मोर इम्प्योरिटीज देन सोल्यूशन बी, विच मेक सोल्यूशन ए मोर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर देन सोल्यूशन बी, द विच हैज मोर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, द बल्ब विल ग्लो इन सोल्यूशन ए, इट हैज लेस आयोन्स इन सोल्यूशन बी। शाबाश बैठो, आपका आंसर मैं बोलूंगा 98% करेक्ट। बैठो 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 बच्चे, आपने जहां पर बोला है ना मोर इम्प्योर ए को, मोर इम्प्योर की बजाय आपने बोलना है मोर आयोनाइजेशन, आयोनाइजेबल इन टू कैटायन एंड एनायन। गॉट इट? मोर आयोनाइजेबल इन टू कैटायन एंड एनायन, क्योंकि अगर हम कैटायन और एनायन हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी होंगे तो उसमें कंडक्टर बोलेगा। आप जो इम्प्योरिटी वाली बात करके ना, अपने माइंड में पानी के लिए अगर होती ये बात तो सही था बच्चे, तो इसने पानी तो लिखा नहीं, इसने तो सोल्यूशन लिखा है। गॉट इट? शाबाश, लेट्स मूव टू द 13th क्वेश्चन। अरुण वेंट टू द सी साइड, ही कलेक्टेड सम सी वाटर फ्रॉम द टेस्टेड, ही टेस्टेड सम ड्रिंकिंग एंड अदर एंड ऑल्सो द सी वाटर विद द टेस्टर, ही फाइंड दैट हिज नीडल डिफ्लेक्ट्स मोर इन केस ऑफ सी वाटर, एक्सप्लेन वाई। तो उसने दो चीजों से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट करने की कोशिश करी, एक बार सी वाटर को एज इलेक्ट्रोलाइट यूज करा, एक बार टैप अपने घर वाले वाटर को। तो कौन से वाले में निडल ज्यादा डिफ्लेक्ट हुई? सी वाटर में। क्या कारण हो सकता है? शाबाश शाबाश, स्पीक आउट बेटे बोलो। सी वाटर हैज मोर इम्प्योरिटीज। हाँ, अब बोल सकते हो, अब बोल सकते हो कि सी वाटर हैज मोर इम्प्योरिटीज बिकॉज लॉट मेनी सॉल्ट्स आर फॉलिंग इन टू द सी, दैट इज वाई देयर आर लार्जर नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायंस, देयर कॉन्सेंट्रेशन इज मोर, हैंस कंडक्टिविटी ऑफ द सी वाटर इज बेटर देन द कंडक्टिविटी ऑफ टैप वाटर। आगे समझ? जब कंडक्टिविटी बेटर होगी तो करंट ज्यादा होएगा, जब करंट ज्यादा होएगा तो करंट कैरिंग वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होएगा, जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगर होएगा तो नीचे रखी हुई जो कंपास की निडल है वो ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बेटे? अगर इंग्लिश में बोलूं मैं तो ऐसे बोलूंगा, इन कंपैरिजन टू टैप वाटर द सी वाटर हैज लार्जर नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स इन द सी वाटर। एज अ रिजल्ट व्हेन करंट पासिस देन ड्यू टू बेटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन इन द सी वाटर लार्जर करंट फ्लोज, व्हेन लार्जर करंट फ्लोज इन द वायर देन द
मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर इज विल बी हायर, एज ए रिजल्ट द मैग्नेटिक कंपास नीडल विल बी डिफ्लेक्टेड मोर। इस तरह से आपको लैंग्वेज बनानी होती है बच्चे। ओके सो आपको 13th क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 14 बताना है मेरे को बेटे। 14 शाबाश, कौन बताएगा क्वेश्चन नंबर 14? मैं क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन मैं समझा देता हूं। चलो वो कह रहा है कि जो नमक जब सूखा होता है ना, नमक सूखा होता है तो उसमें से बिजली पास नहीं होती, लेकिन अगर हम नमक का घोल बना लें, नमक के घोल को क्या बोलते हैं? टीचर ने कल बताया था आपको, सोडियम क्लोराइड को पानी में डाल के ऐसे पेंसिल से हिला के घोल बना लो तो उसको क्या बोलते हैं? मेमोरी भूल गए आप? मैंने बोला था आपको आपकी क्लास, आपकी क्लास में ही बताया था, BRINE, ब्राइन सॉल्यूशन लिख लो। व्हेन सोडियम क्लोराइड इज पुट इन द वाटर इट इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन, BRINE। ओके तो जब हम इस साल्ट को जब सोडियम क्लोराइड को गीला करते हैं या उसको गर्म करके पिघला लेते हैं, जब पिघला लेते हैं तो मोल्टन बोलते हैं, जब पानी में डाल के घोल देते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। दोनों ही केसेस में ये देखो बेटे, दोनों ही केसेस में सोडियम का कैटायन और क्लोराइड का एनायन हमें मिल जाते हैं। जैसे ही हमारे पास आयन मिल जाते हैं तो ये चार्ज मूव करना शुरू हो जाता है बैटरी के साथ लगने पर और कंडक्टिविटी बनती है। लेकिन अगर बिल्कुल सूखा ढेर लगा हुआ है नमक का, ड्राई साल्ट, ड्राई सोडियम क्लोराइड, तो ड्राई सोडियम क्लोराइड में ध्यान से सुनना टीचर क्या लैंग्वेज बोल रहे हैं, ये जो नमक पड़ा होता है उसमें सोडियम और क्लोराइड टूटते नहीं है, ऐसे नहीं बनते, वो बिल्कुल जुड़े रहते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है। जब तक मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा तो कैटायन और एनायन नहीं मिलेंगे और बिजली नहीं गुजर पाती, और जैसे ही वही साल्ट मोल्टन स्टेट में मिलता है इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म को बोलते हैं आयनिक फॉर्म, आयनिक फॉर्म ऑफ साल्ट। तो कहने का मतलब यह हुआ कि किसी साल्ट में से करंट गुजर पाए उसके लिए उस साल्ट की आयनिक फॉर्म का होना जरूरी है, ना कि मॉलिक्यूलर फॉर्म का। आयनिक फॉर्म कब मिलती है नमक की? जब हम उसको या तो गर्म करते हैं या पानी में डाल के चम्मच से घोलते हैं। कौन बच्चा इसको इंग्लिश में बता सकता है? शाबाश, एनीबॉडी, एनीबॉडी हु कैन टेल मी व्हाई द डाइसाल्ट इज इंसुलेटर बट द मोल्टन और द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कंडक्टिंग? इंग्लिश में कौन बताएगा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, प्लीज स्पीक द आंसर। सर, सॉलिड सोडियम क्लोराइड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज नो आयंस आर प्रेजेंट इन इट, दे आर इन अ फिक्स्ड, दे आर फिक्स्ड but in liquid and molten form it is a good conductor because with water it dissociates into ions and ionization is done due to movement of ions, electric current can pass through it. गुड बेटे, तो इसमें भी सबसे बढ़िया जो मूव करता है वो एक्वस सॉल्यूशन होता है, उसमें से करंट। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन का ऑप्शन है, बैड कंडक्टर कौन सा हुआ फिर? बैड कंडक्टर बचा हुआ इलेक्ट्रिसिटी में बेटे, बताओ कौन सा टिक करोगे? तो आप बोलोगे कि इसका जो रीजन ये है, देखो ये सारी बातें सही होगी ना, ऊपर की सारी बातें सही होगी। देखो ए ऑप्शन इसलिए सही है कि वो कंडक्ट नहीं करता, उसमें लैटिस स्ट्रक्चर में पड़ा होता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, है ना। बी और सी तो बिजली कंडक्ट करते हैं, तो इसमें डी ऑप्शन लिख दो आप। ऑल ऑफ दिस अबव आर करेक्ट, ठीक है, एग्रीड। लेट्स मूव टू द अजर्शन रीजन बच्चे, अजर्शन रीजन पढ़ो फटाफट, जब तक मैं बोर्ड साफ करता हूं आप सारा पढ़ दो। अजर्शन रीजन,
शाबाश बेटे, हमने ये बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। फर्स्ट क्वेश्चन में अजर्शन देखते हैं, फिर उसका रीजन स्टेटमेंट देखते हैं। इन केस ऑफ द फायर बिफोर देन फायरमैन यूज द वाटर होजेस दे शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ द एरिया। ट्रू कारण क्यों बंद? Because water is a good conductor of electricity. Good, very good. अगर वो पीछे से मेन स्विच नहीं ऑफ करेंगे तो पानी के थ्रू करंट उनके खुद ही हाथों तक पहुंच जाएगा और वो बंदे की जो फायरमैन है उसकी मौत हो जाएगी बेटे। इसलिए पीछे से मेन स्विच ऑन करके ऑफ करके सॉरी ऑफ करके इधर जो आग लगी है वहां पर मैं ऐसे पाइप डालूंगा। इज दैट क्लियर? हॉज पाइप। सो दिस इज ट्रू। सेकेंड बात, वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही। तो दोनों ही केसेस में ये हमें पता लग गया कि हमें होज पाइप डालने से पानी डालने से पहले हमें पीछे से मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड बेसिस और सॉल्ट। ट्रू है बेटे, या तो वो एसिड होते हैं या बेस होते हैं या साल्ट होते हैं। ठीक है, एसिड की एग्जांपल बताऊं? एसिड की एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक ये ऊपर जो मैंने लिखा ये सल्फ्यूरिक एसिड है और ये जो मैंने लिखा ये नाइट्रिक एसिड है। ये तीन एसिड है और याद रखना है इनके फार्मूले, याद रखना, अच्छी नॉलेज बन जाएगी। और ये वाला एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, नाइट्रिक एसिड सबसे लास्ट वाला। नोट करते रहा करो, कभी ना कभी लाइफ में काम आएगा। और कोई स्कॉलरशिप टेस्ट क्लियर हो गया तो सारी फीस के बराबर तो स्कॉलरशिप भी मिल जाती है बच्चे। असली पॉइंट नोट करते रहा करो। थ्री स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स आर, तीनों, इन तीनों के बिना कोई स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता। और इनमें से भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? नाइट्रिक एसिड। ये कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड। लिख लो। और अल्कली कौन सी? दोनों, दो अल्कली स्ट्रॉन्ग बताऊं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दो अल्कली सबसे स्ट्रॉन्ग मानी जाती। साल्ट तो बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंने लिखा था ना NaCl, ये एक साल्ट है। साल्ट हो गया, बेस हो गया, एसिड हो गया। बेस को कभी कभी अल्कली भी बोल देती हैं किताबें, अल्कली। ठीक है, शाबाश। एसिड के बारे में और क्या बात है बच्चे? एसिड के बारे में एक मेमोरी टूल याद रखना है, ABR। एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते। अगर मैं एक लिटमस पेपर लेके आऊं ब्लू कलर का, यहां रखूं, उसके ऊपर लिक्विड की बूंदे फेंकूं और मेरे को पता नहीं है कि वो लिक्विड क्या है, बेस है कि एसिड है, जहां पर बूंद गिरेगी ना वहां से वो ब्लू कलर का फिल्टर पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, समझ आ गया? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। केस ये आ गया हमारा थर्ड। अच्छा, डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैनी आयंस। प्रेजेंस थोड़ी लिखना चाहिए उसको, एब्सेंस लिखना चाहिए, है ना बेटे? एब्सेंस लिखना चाहिए, फिर तो हम बात कर सकते थे उनकी। क्वेश्चन नंबर थ्री, बल्ब कैन बी यूज्ड एज ए टेस्टर बट मैग्नेटिक कंपास डज नॉट। फॉल्स हो गया। बल्ब भी टेस्टर हो सकता है और मैग्नेटिक क्रेडल भी टेस्टर हो सकती है। सेकंड, मतलब ये हमारे अजर्शन का आंसर रॉन्ग हो गया, मतलब। ठीक है, और रीजन देखते हैं। रीजन का क्या है? एलईडी कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ बल्ब टू प्रोटेक्ट दी, ना टू डिटेक्ट दी प्रेजेंस ऑफ इवन स्मॉल करंट। ट्रू, यस। जो एलईडी होते हैं ना वो छोटी सी लाइट से ही जग जाते हैं। कोई बच्चा बताएगा एलईडी का कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या था? बोलो, ऐसा कुछ था, बताओ कुछ। गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड। गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड। ओके,
अब हम देखते हैं केस स्टडी. साहिल फादर फाउंड दैट वाटर लेवल इन ए बैटरी ऑफ द इन्वर्टर हैड गॉन डाउन देन द रिक्वायर्ड लेवल. जो इन्वर्टर वाली बैटरी होती है घरों में या कारों की, उसमें पानी डाउन चला गया. ही इमीडिएटली ब्रिंग्स द वाटर फ्रॉम द टैप वाटर एंड स्टार्टेड एडिंग इन द बैटरी. और उसके पापा टूटी से पानी भर के ले आए और बैटरी में डालने लगे. साहिल इमीडिएटली स्टॉप द फादर फ्रॉम डूइंग सो. साहिल ने रोका, नहीं नहीं पापा रुक जाओ रुक जाओ. He advised his father that only distilled water need to be added in the batteries. He studied in the class that tap water contains lot of cations and anions for the battery, which are not good for battery that require the distilled water. Sahil ने अपनी क्लास के टीचर से सुना था कि जो टैप वाटर होता है उसमें कई तरह के साल्ट होते हैं, वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो नहीं लेना चाहिए बल्कि डिस्टिल्ड वाटर लेना चाहिए जो कि इंसुलेटर होता है. अब उसके बाद नीचे क्वेश्चन है, व्हाई टैप वाटर इज नॉट यूज्ड इन द बैटरी. एनीबॉडी? बिकॉज टैप वाटर कंटेन अ लॉट ऑफ आयंस. शाबाश, बिकॉज टैप वाटर हैज अ लॉट ऑफ आयंस, इट इज अ कंडक्टिंग वाटर एंड फॉर द बैटरीज वी नीड द नॉन कंडक्टिंग वाटर व्हिच इज पॉसिबल फॉर द डिस्टिल्ड वाटर. ठीक है बेटे, बैटरीज के लिए कौन सा पानी चाहिए होता है? डिस्टिल्ड वाटर. Why only distilled water is used in the battery? Distilled water contain less ions. Less नहीं बेटे, होते ही नहीं. आप कहोगे distilled water is not a very very poor conductor, not a conductor कह सकते हो. और इससे और बैटरी में जो पानी हम डालते हैं उसका एक ही मकसद होता है कि जो बैटरी में डाला हुआ जो एसिड है ना वो कभी कभी गाढ़ा हो जाता है, वो तो उसको पतला करने के लिए हमने डालना होता है. अगर हम टैप वाटर डाल लेंगे तो एसिड के अंदर एसिड के आयंस के बिना और कोई आयंस भी मिक्स हो जाते हैं जिससे हमारा नुकसान होता है. तो हमने क्या करना है, उस एसिड को, एसिड की ग्रेविटी को, उसकी डेंसिटी को पतला करके कम करना होता है, डेंसिटी को कम करना होता है. इसलिए हमें प्योर वाटर की ही जरूरत पड़ती है, डिस्टिल्ड वाटर. व्हाट एल्स वी कैन यूज इंस्टेड ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इफ इट इज नॉट अवेलेबल? कौन सा? सुनो सुनो सुनो, अगर आपको बैटरी वाला वाटर नहीं, डिस्टिल्ड वाटर नहीं अवेलेबल बच्चे, वैसे तो ये पेट्रोल पंप से मिल जाता है डिस्टिल्ड वाटर, तो जो आपके एसी से निकला हुआ वाटर होता है ना, एसी से, एसी में पाइप लगी होती है, उसका पानी गिरता है कि नहीं गिरता बेटे? वो पानी भी आप आसानी से यूज कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया होता है बैटरी के लिए. ठीक है, सो आप बोलोगे ड्रेनेज वाटर ऑफ एयर कंडीशनर कैन बी यूज्ड एज ए वाटर फॉर बैटरी. ड्रेनेज वाटर ऑफ द एसी एयर कंडीशनर कैन बी यूज्ड फॉर इन्वर्टर बैटरीज. ओके, अब हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है, जल्दी से आ जाओ. शाबाश. To show the chemical effect of the current using the magnetic needle. यह magnetic needle लगी हुई है, देखो आप figure बना हुआ है बच्चे, figure बना हुआ है, नीचे electrolyte है और तार लपेटी हुई है compass के इर्द गिर्द, उधर battery लगी हुई है. अब नीचे हमारा question है, use, अच्छा question क्या है, कहता है अगर हमने electrolyte vinegar लिया, vinegar क्या होता है बेटे, अचार बनाने वाला सिरका, पता आपको क्या नहीं? अगर विनेगर डालेंगे तो क्या मैग्नेटिक नीडल हिलेगी या नहीं हिलेगी? यस यस यस, क्योंकि बेटे याद रखना विनेगर जो होता है ना उसका वो ये फार्मूला होता है, लिख लो CH3COOH, इसको केमिकली एसिटिक एसिड बोलते हैं, एसिटिक एसिड, लिख लो फटाफट. जैसे ही इसका लिक्विड बनता है ना लिक्विड, तो ये एसिटिक एसिड जो होता है अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी का कंटेंट चला गया एक्वस, तो ये टूट जाता है हाइड्रोजन आयन प्लस एसीटेट आयन, एसीटेट आयन, एसीटेट आयन, बल्कि एनायन लिख देना चाहिए. और ये कौन सा है? हाइड्रोजन का केटायन. तो आपको पता है जिसमें हमारे पास आयन और कटायन दोनों, हमारे पास आयन मिल जाए तो वो कंडक्टर बन जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो इसका मतलब निडल उसमें अच्छा खासा हिल जाएगी. ओके बेटे, सेकंड बताओ, डिस्टिल्ड वाटर डाल दें अगर इसको निकाल के, इसको निकाल दें और उसकी जगह पानी डालें वो भी डिस्टिल्ड, तो बताओ? नो नो नो,
तो यहां पर तो निडल हिलेगी, बहुत अच्छी हिलेगी निडल, और यहां पर निडल का जो शेक है ना, शेकिंग, निडल निडल डिफ्लेक्शन, निडल डिफ्लेक्शन यहाँ पानी के लिए, डिस्टिल्ड वाटर के लिए, नो नो, क्योंकि ये तो इंसुलेटर है और ये क्या हो गया, कंडक्टर है, इसमें निडल की डिफ्लेक्शन, यस यस। और तीसरे वाला कौन सा, मिल्क, मिल्क में भी यही चीज आएगी, yes. मिल्क भी गुड कंडक्टर है। ओके, एमसीक्यूज, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस थ्रू द वायर निडल द मिडल, द निडल बोलो क्या करेगी, क्या लिखना चाहिए, पॉइंट नॉर्थ, पॉइंट नॉर्थ, पॉइंट साउथ, डिफ्लेक्ट्स और मूव्स इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन और बिकम्स डीमैग्नेटाइज्ड। तो इस सी सी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन इज करेक्ट, कोई एमसीक्यू में फर्स्ट वाले में सी ऑप्शन सही है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैग्नेटिक निडल व्हेन इट इज यूज्ड एज ए टेस्टर, बिल्कुल सही, क्योंकि निडल की डिफ्लेक्शन ये शो करती है कि करंट अवेलेबल है कि नहीं, अगर करंट पास हो रहा होगा तभी डिफ्लेक्शन पैदा होती है निडल में। ओके, तो यहां से हमें बी ऑप्शन मिला। अब हम एम फोर पे आएंगे बेटे, एम फोर, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस मॉड्यूल फोर, इलेक्ट्रोलिसिस। ओके शाबाश, रीड द फर्स्ट क्वेश्चन सर, बी ऑप्शन, बी बी, ए बी ऑप्शन बिल्कुल सही, द प्रोसेस दैट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक अप द इलेक्ट्रोलाइट केमिकली। ओके, तो मॉड्यूल फोर में फर्स्ट क्वेश्चन का बी बिल्कुल सही। सेकंड क्वेश्चन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द इलेक्ट्रोड अट्रैक्ट पॉजिटिव आयंस, बोलो, देखो बेटे एक बात सुनो, ध्यान से सुनो, टीचर ने बोला था केटायन वो होते हैं जो पॉजिटिव आयन हो, केटायन, और पॉजिटिव आयन हमेशा नेगेटिव रोड की तरफ भागेंगे, जिसकी तरफ ये भाग, क्योंकि केटायन उस रोड की तरफ भागेंगे नेगेटिव वाले, तो इसको हम कैथोड बोलते हैं, कैथोड। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है उसमें वो उल्टा बोल रहा है, नहीं ऐसे ही बोल रहा है, देखो, यस इलेक्ट्रोड अट्रैक्ट द पॉजिटिव, तो हमारा आंसर क्या हो गया इसमें, ए ऑप्शन, उल्टे होते हैं, याद रखना केटायन खुद पॉजिटिव होते हैं लेकिन कैथोड नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोड उल्टे होते हैं, गलत मत याद करना, केटायन खुद क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन, लेकिन जिस इलेक्ट्रोड की तरफ भागते हैं वो नेगेटिव है, कैथोड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, अरे बताओ, कौन सा, रिफाइनिंग मेटल्स फ्रॉम द ओर्स जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन द बैटरी, ये नहीं हो सकता है ना, इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ी है वो, यस, तो डी ऑप्शन इज नॉट द इलेक्ट्रोलिसिस। ओके ओके बेटे, तो अब मॉड्यूल फाइव में जा रहे हैं हम, मॉड्यूल फाइव इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जल्दी से पहला क्वेश्चन बताओ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, देखो बेटे कुछ बच्चे कहते हैं सर गैल्वेनाइजेशन लिख दो, ना ना ना, गैल्वेनाइजेशन तो तब लिखते अगर आयरन की बात होती, ये तो जनरल में बोलता है, एक कम रिएक्टिव मेटल की परत चढ़ा देना ज्यादा रिएक्टिव मेटल के ऊपर, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का बी, एग्रीड, सेकंड क्वेश्चन आ जाओ, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग द मेटल टू बी कोटेड इज यूजली कॉल्ड द कैथोड। बेटे मैंने आपको कल क्या बताया था, आपको
मैंने क्या बोला था, ध्यान से सुनो, मैंने इधर कॉपर प्लेट लगाई थी और इधर चम्मच लगाया था, याद है? फिर मैंने बोला था इन दोनों में कौन सा बंदा दान दे सकता है, दान दे सकता है वही बंदा जो जिसके पास बहुत ज्यादा, यानी पॉजिटिव। कौन सा बंदा दान ले सकता है, स्पून बताया था, यानी नेगेटिव। तो ये बड़ा बैटरी जो है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था बच्चे। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, जिसकी तरफ नेगेटिव चीज जाए। नेगेटिव क्या चीज जाती है, एनायन। तो एनायन जिस तरफ जाते हैं वो तो एनोड होता है बेटे, याद हो गया? जिस तरफ एनायन जाए वो एनोड, ठीक है? तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया, और इसका जो आंसर बनेगा बी बनेगा, ठीक है बेटे? द मेटल, अच्छा ये तो ऑब्जेक्ट है, सॉरी, है ना बेटे, ये तो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट तो हमने स्पून पे लगाया था ना, स्पून में, स्पून क्या था, नेगेटिव, उसकी तरफ कैटायन जाएंगे, तो ये ऑब्जेक्ट जो है कैथोड हो गया, ए ऑप्शन। आप लोग भी ए बोल रहे थे। यस कॉपर इज ऑफन यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ड्यू टू इट्स, बोलो बोलो क्या। कंडक्टिविटी हाँ, अगर मैंने नीचे सस्ती मेटल लगा दी, ऊपर कॉपर की लेयर चढ़ा दी, तो उसमें से आसानी से करंट निकल जाएगा। तो इसका मतलब है जो कॉपर की प्लेटिंग होती है वो कंडक्टिविटी की वजह से होती है, करते हैं हम। थर्ड का ए ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन, शाबाश, फोर्थ क्वेश्चन। प्रिवेंट बिल्कुल सही, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज कॉमनली यूज्ड टू प्रिवेंट करोजन, शाबाश, बी ऑप्शन, ताकि कोई भी मेटल हमारी एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से धीरे धीरे खुर ना जाए, खराब ना हो जाए, रस्टिंग ना लग जाए, ठीक है? फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ए ऑप्शन, इट कैन, इट एक्ट्स एज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन बेटे, बी बी गोल्ड प्लेटिंग के लिए गोल्ड ही यूज करेंगे और क्या यूज करेंगे, ये क्या बात बनी। सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बी कैथोड को क्या होता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बी मेटल आयंस फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट गेट डिपॉजिटेड ऑन द ऑब्जेक्ट, शाबाश। मैंने बताया था ना, लिक्विड में से कॉपर निकल गया, चम्मच पे लगता रहेगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही बताया इस बच्चे ने। क्वेश्चन नंबर एट, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, शाबाश। लोहे की कील के ऊपर, आयरन नेल के ऊपर, अगर मैं इसके ऊपर जिंक की कोटिंग करवा दूंगा, जिंक की कोटिंग, तब इसको कभी भी रस्टिंग नहीं लगेगी। तो इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग की इस खास एग्जाम्पल को, पर्टिकुलरली इस खास एग्जाम्पल को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ओके, गैल्वेनाइजेशन। पर्टिकुलरली इसी को बोलना है, बाकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स को नहीं बोलना। क्वेश्चन नंबर नाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सी ऑप्शन, ज्वेलरी को हम बढ़िया बनाने के लिए सिल्वर के ऊपर गोल्ड प्लेटिंग करवा लेते हैं कई बार, तो डी ऑप्शन इज द क्वेश्चन। अजर्शन रीजन, शाबाश, फर्स्ट अजर्शन, शाबाश, कौन बताएगा। फर्स्ट अजर्शन में अजर्शन देखते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ प्रोसेस यूज्ड टू कोट द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द लेयर ऑफ द मेटल, करेक्ट। सेकेंड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन टू इम्प्रूव इट्स अपियरेंस ओनली, रीजन फॉल्स है, क्योंकि अपियरेंस, अकेली अपियरेंस नहीं, और भी बहुत सारी बातें होती है ना। अब सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में अजर्शन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैन बी यूज टू प्रिवेंट द करोजन ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक आयरन नेल। सेकेंड क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ए लेयर ऑफ मोर करोजन रेजिस्टेंस मेटल इज अप्लाइड ऑन द सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोर करोजन रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट मैंने रोकने वाली, सही है बेटे, ट्रू 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 ट्रू।
okay, reason is also true. Third question, chromium has a shiny appearance but corrode easily. False. Shining appearance के साथ साथ उस वो करोड भी इजीली नहीं होती. Excuse me sir. हाँ जी बेटे. Sir, our time has finished. First period has started. बेटे एक लाइन, तभी तो मैं इतना फास्ट कर रहा हूँ. लास्ट क्वेश्चन करने तो जितने में तुम बोल रहे हो इतने में तो मैंने कर देना था. बैठो. क्रोमियम प्लेट इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट सच एज बाथटब बाइसिकल हैंडल बार्स. True. लास्ट क्वेश्चन बेटे, व्हाट डू यू मीन बाय द सिल्वर कोटिंग. सिल्वर कोटिंग का क्या होता है? सिल्वर की लेयर चढ़ाना. सिल्वर की लेयर चढ़ाना किसके ऊपर? आयरन के पीस के ऊपर या कोई और मेटल हो सकता है. सेकंड क्वेश्चन, नेम द मेथड यूज्ड इन सिल्वर कोटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग बिल्कुल सही. लास्ट क्वेश्चन, कैन यू कोट सम अदर मेटल आल्सो बाय यूजिंग दिस मेथड. Yes. बताओ कौन सा? क्रोमियम. गोल्ड. कॉपर. यस यस यस. क्रोमियम कर सकते हैं और लोहे के ऊपर टिन होता है उसके ऊपर टिन की कोटिंग कर सकते हैं ताकि उसमें घी वगैरह डाला जा सके. ठीक है, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती है. इस तरह से हमारी असाइनमेंट कवर हो गई है और जो मैं आपका टेस्ट लूंगा उसमें से इसमें क्वेश्चन जरूर डालूंगा. सो आज का लेक्चर ओवर हुआ. समझ आया? दोनों हैंड मूव करो एक बार अगर समझ आया तो. Bye. 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 Bye